أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. आज इस अस्पताल में फ्री कैंप रखा हुआ इल्लाहु अलमीन इस कैंप को कामयाब फरमा आमीन रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ये कैंप के हवाले से मैं आपको दो चार बातें बताना चाहता हूँ कि ये कैंप जो है पिछले 1.5 साल से कोशिश हो रही थी कि यहाँ पे कैंप लगाया गया। अमीन साहब दिन रात इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए और इसके अंदर मजीद सहूलियात बढ़ाने के लिए कोशिशें रहती है और उनकी पूरी टीम, कुछ लोगों के मैं नाम भी नहीं जानता और उनकी पूरी टीम इधर आपको नज़र आ रही है, दिन रात इस हॉस्पिटल के लिए कोशिशें रहते हैं कि कुछ ना कुछ लोगों का भला हो जाए यहाँ से। तो आप लोगों से भी अपील करूँगा कि कैंप लगा है और उसके बाद हॉस्पिटल चलता रहता है, आप तमाम लोग लाओ यहाँ पे तशरीफ लाए करें और अपने अजीज़ों को भी बताया करें कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपको तमाम सहूलियात मिलती हैं, यहाँ से जाकर फ़ायदा उठाया करें। इस कैंप में ये जो कैंप आंखों का लगाया गया है ये रेज फॉर लाइफ एक हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत ये यहाँ पर लगाया जा रहा है। उन्होंने अमित साहब की वसादत से पैसे हमें पहुँचाए, हमने आज वो अब आपको डिलीवर करने हैं। यहाँ पे जो सफ़ेद मोती का ऑपरेशन होगा मार्केट में इसका तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये रेट है और इसके अलावा जो आप हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़ता है और पैसे भी अदा करने पड़ते हैं, वही सहूलत आज आपको यहाँ पे मुफ्त मिलेगी। तो वो इस हज़रत आयशा मकबूल हॉस्पिटल की विसादत से ही आपको मिल रही है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि जो लोग अभी मुआयना करवा के जाएँ तो बाकी लोगों को भी बताएँ कि कैंप लगा हुआ है, टीम आ गई, आप जाकर अपना मुआयना करवा लें। यहाँ पे जो हम आपको सहूलियात देंगे वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका पहले पर्ची बनेगी, फिर आपने आपके डॉक्टर के रूम में जाना है, वो चेक करेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपकी आपको क्या ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, ऑनलाइन की ज़रूरत है या ऑपरेशन की ज़रूरत है। जिसको दवाई की ज़रूरत होगी दवाई मिल जाएगी, जिसको एनक की ज़रूरत होगी एनक मिल जाएगी। एनक हम जो कैंप पर देते हैं वो पढ़ने के लिए होती है, नज़दीक की एनक होती है, दूर की एनक कैंप पर मैनेज नहीं हो सकती, इसलिए दूर का हम नंबर दे देते हैं कंप्यूटराइज मुआयना करके और नज़दीक ही यहीं पे आप कर सकते। तीसरे नंबर पे जिन लोगों का सफ़ेद मोती का ऑपरेशन लिखा जाएगा उनके 5 तरह के टेस्ट होंगे, टेस्ट होने के बाद उनका पता चलेगा कि ऑपरेशन यहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले नंबर पे हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट होगा, फिर एड्स का टेस्ट होगा, फिर उसका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर और बायोमेट्रिक, ये तमाम टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि उसका यहाँ पर ऑपरेशन हो सकता है। जिसकी शुगर हाई होगी उसका यहाँ पर ऑपरेशन नहीं हो सकता, कि आप उनका हम तजवीज़ करते हैं कि आप किसी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा लें तो अपनी शुगर लेवल डाउन करें, अगर शुगर लेवल डाउन हुआ तो इंशाल्लाह उसका यहीं पर ऑपरेशन हो जाएगा। ये जदीद ऑपरेशन है, बग़ैर टांकों के लेंस लगाया जाएगा। ये तमाम तर सहूलियात आपको हज़रत आयशा मेमोरियल हॉस्पिटल के तआवुन से मुफ्त फराहम की जा रही हैं, जो कि आप अगर बाहर जाएंगे तो मुमकिन है आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे कम लगें। तो इस वक्त जो यहाँ पे आपको सहूलियात हम दे रहे हैं ये तमाम तरह सहूलियात मुफ्त होंगी, किसी किस्म का कोई पैसा भी आपसे नहीं दिया जाएगा। मैं गुजारिश करूँगा अमीन साहब से कि आएँ और वो भी 2-4 कलमात अदा करें ताकि लोगों को मज़ीद तसल्ली मिल सके। وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
रहीम अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के बिहाफ पे पहला सालाना फ्री आई कैंप हज़रत आयशा मेमोरियल अस्पताल में लगाया गया, जिसमें तकरीबन कोई 200 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे अपनी आँखों का मुआयना करवाया और 20 अफराद का यहाँ पे ऑपरेशन किया गया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत आयशा मेमोरियल अस्पताल में तमाम बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं। आप लोगों से मैं अपील भी करूँगा कि आप तमाम लोग यहाँ पर आया करें और अपना मुआयना करवाया करें। जो भी आपके हेल्थ के रिलेटेड बुनियादी ज़रूरियात हैं वो यहाँ पे मुफ्त फराहम की जाती हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मौजूद है जिसमें काम करने की ज़रूरत है, आप लोग आएँ और इधर बैठकर काम करें, इन लोगों के साथ तआमुन करें ताकि ये लोगों की मज़ीद खिदमत कर सकें और इसी तरह से कार खैर का जो काम है जारी व सारी रहे। इनको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि फंड्स की कमी है या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि यहाँ पर मरीज़ उस तरह से नहीं आते कि ये उनकी खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। मैं अहले इलाका से अपील करूँगा कि तमाम लोग यहाँ पे आया करें ताकि इस जो इतनी बड़ी कार खैर के लिए बिल्डिंग बनाई गई है इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफीद हो सकें। आखिर में मैं हज़रत आयशा मेमोरियल के तमाम स्टाफ का और बिलखसूस अमीन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत इवेंट यहाँ पर करवाया और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा, लोगों ने उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम स्टाफ का और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी कभी ऐसा यहाँ पे प्रोग्राम हुआ तो उसके लिए भी इसी तरह से मेहनत की जाएगी। बहुत शुक्रिया।